बॉस इस तरह से ना। अरे 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 ये मेरी जलेबी को खाने के चक्कर में है। हटो हटो। बॉस ये तो विश्वासघात है, ये बेवफाई है। कैसी बेवफाई? हम 10 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और तू कबाब में हड्डी। विजय अपने साले को अभी दे देता हूँ। क्या मैं साला? मैं तेरी सिस्टर तो तू इसका साला हुआ ना। सुन भाई जब तुम आओगे तो बिना भूले मैं कच्चे आम लेकर आऊँ क्या? अरे यार खाने पीने का सामान लेकर आना। मेरी बटरफ्लाई तो उड़ गई। छे अब मैं जाकर कौन सी लड़की पटाऊँ? कोई ना कोई नया जुगाड़ भिड़ाना होगा भैया। बस जीजू सिस्टर यू कंटिन्यू। कहा मुझे डर लग रहा है और यहाँ यहाँ मुझे जिंदगी गुजारनी है। हम लोग कैसे कैसे मस्ती से जिएंगे ये सोच रही थी। सोच रही थी चलो। पति पत्नी जब घर में अकेले होते हैं तो क्या करते हैं पता है ना? बोलो क्या करो? पहले मुझे पकड़ लो। ऐसे पकड़ कर नहीं जानते लंबी सांसें भरते हैं। सांस भर के मुझे रिझाओ ना। ऐसे ही ना। ए, तुम बहुत चालू हो, रात भर तुमने मुझे सोने नहीं दिया। ठीक है तो फिर से सो जाओ। बस करो। ठीक है तो छोड़ दिया। ए, मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए यार। अगर उससे मुझे गर्मी चढ़ गई तो क्या होगा? वही। पत्नी जब चाय बनाए तो पति पास में आकर क्या करता है पता है? क्या करता है? होठ से होठ लगाकर चीनी घोलते हैं। अभी घोलता हूँ। अच्छा ठीक है। ए, अच्छा ठीक है नहीं बोलते, गलत बात है। आओ एक बार फिर से नहा लेते हैं, बोलना चाहिए। अरे बाप रे। छोड़ो ना। ठीक है रहने दो। हे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, तुम क्यों छोड़ देते हो? हे, लाल लाल होठों से एक चुम्मा दे दो ना। सुनिए जी, विजय की शादी के लिए कपड़े जेवर वगैरह सब तो ले लिए हैं, अभी भी कुछ बाकी है क्या? सब ले लिया है, बस विजय के हाथों माया को मंगलसूत्र पहनाना बाकी है। एक मिनट गाड़ी बुलाता हूँ। ड्राइवर यहाँ। ओ,
मेरे होते हुए तुम्हें और कौन याद कर रहा है? किससे पूछ के अंदर आए हो? बाहर निकलो यहां से। इन लोगों को यहां से निकालकर गेट बंद कर दो। ये हमारा घर है और यहां हम लोग रहते हैं। हमें कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकता हूं। चाहे ऊपर वाला भगवान हो या छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, ये गोत्रा ठाकुर लाला जब किसी को कर्ज देता है तो रिटर्न लिए बिना नहीं छोड़ता है। चाहे कोई कितनी ही इज्जत वाला क्यों ना हो, कोर्ट कचेरी के जाल में फंसकर हम दम तोड़ देते हैं। उसका निकलना नामुमकिन होता है जो एक बार मेरे जाल में फंस जाता है। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है ना, तो फिर यहाँ क्यों आना हुआ? जिसने कर्जा लिया वो तो चुपचाप खड़ा है, कल की आई हुई छोकरी तुम उससे जुबान लड़ा रही है क्या? दरवाजा बंद करके अय्याशी कर रहे हैं? सुनो, मेरा ब्याज का पैसा तो दो। ब्याज ब्याज बोलकर हमारी जान क्यों खा रहे हो? आखिर पैसों की इतनी लालच क्यों है तुम्हें? तुम्हारा पैसा क्या हम सीने पे रख के ले जाएंगे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें झुलाते हुए तुम्हारे कान में विजय कह के पुकारा होगा, पर मेरे बाप ने ब्याज कह के पुकारा था। बात सुन, हमारे केस लड़ने के लिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे परिवार में 3 लड़के और 1 लड़की को पैदा किया है। चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाओ, सारे कोर्ट में इस गोत्रा ठाकुर लाला का ही परचम लहराता है। देखना चाहता है? देखना चाहता है? मेरे ससुर ने ब्याज का चेक तो दिया था ना? ए, जो चेक रिटर्न हो गया उसकी क्या हम लोग पत्ती बनाएंगे? जी, विजय, इनसे क्या बात करनी, पिताजी को फोन लगाओ। फोन लगा रहे हो? हेलो, लाशें फोन अटेंड नहीं किया करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे माँ बाप को किसी लॉरी ने नहीं उड़ाया, वो मेरे पप्पा की सेटिंग थी। Oh!
उसे देख क्या रहा है? ये मकान बनाते समय तेरे बाप ने किसी की भेंट नहीं चढ़ाई, इसलिए मैं तुम्हारी भेंट चढ़ा रहा हूँ।